नमस्कार, मरुदर बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि पागना। जयपुर में आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव ने आज नगर निगम अधिकारियों के साथ शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। अल सुबह अम्बेडकर सर्किल से आयुक्त ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण शुरू किया। इसी दौरान सी स्कीम में पार्टी जंक्शन, मैरिज गार्डन, राजपूत सभा भवन के बाहर बड़ी मात्रा में गंदगी मिलने पर आयुक्त ने विवाह स्थल संचालक से जुर्माना वसूलने के निर्देश संबंधी अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि गार्डन संचालक द्वारा आयोजन के उपरांत बचा हुआ खाना एवं अन्य सामग्री सड़क पर डाल दी गई थी, जिससे सड़क पर गंदगी का ढेर लगा हुआ था। वहीं वार्ड नंबर 150 के हाजरी गाह के निरीक्षण के दौरान हाजरी रजिस्टर के खामियाजा मिलने पर आयुक्त ने जमादार प्रकाश पवार को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त ब्रजेश कुमार चंदोलिया को सभी हाजरी गाहों पर बायोमेट्रिक उपस्थित की व्यवस्था शुरू करवाने तथा सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि बायोमेट्रिक पर रेटिना स्कैन के माध्यम से भी पहचान सुनिश्चित करवाई जा सकती है, इससे कोरोना संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा और कार्मिकों की उपस्थिति भी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा आयुक्त ने MI रोड स्थित हाजरी गाह के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी हाजरी गाहों में कर्मचारियों की बीट वाइज ड्यूटी की जानकारी बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। उस बोर्ड से यह पता लगना चाहिए कि कौन सा कर्मचारी किस क्षेत्र में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही आयुक्त ने उपायुक्त सातरता सेठाराम बंजारा को निर्देश दिए कि महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट तथा SMS अस्पताल के बाहर के अतिक्रमणों को हटवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही राजा पार्क में पंचवटी सर्किल के चारों ओर के अतिक्रमणों को भी तत्काल प्रभाव से हटवाने के निर्देश आयुक्त ने दिए। लालकोटी सब्जी मंडी के अतिक्रमणों को भी हटवाने के निर्देश आयुक्त ने दिए हैं। इसी को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि रामनिवास बाग की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करवाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने समन्वय स्थापित किया जाए। इसी दौरान उन्होंने JDA के अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिए कि वहां फैली गंदगी को तत्काल साफ करवाया जाए। आयुक्त ने महिला चिकित्सालय तथा SMS स्थित इंदिरा रसोइयों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने SMS में एक्सटेंशन काउंटर शुरू करवाने तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि इसी दौरान निगम के आलाधिकारी भी वहीं मौजूद रहे। सवाई माधोपुर जिले में आज JCB ने बड़ी कार्यवाही की। यहां पर 3 लाख की रिश्वत लेते चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य के DCF फुरकान अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी अफसर ने विकास कार्यों में बकाया भुगतान की एवज में रिश्वत मांगी थी। फिलहाल मौके पर कार्यवाही जारी है। आरोपी के पास मौजूद दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही पूछताछ भी की जा रही है। DGBL सोनी और ADG दिनेश एमएन ने बताया कि परिवादी ने शिकायत की थी कि DCF फुरकान अली विकास कार्यों के भुगतान के लिए कमीशन मांग रहा था। मामले में कुल 4 लाख की रिश्वत मांगी गई। ACB ने शिकायत का सत्यापन करवाया, जिसमें आरोपी 1 लाख की रिश्वत ली है। आपको बता दें कि आरोपी को उसके घर के पास से ही गिरफ्तार किया गया था। हिंदी फिल्म ऑक्सीजन को शीघ्र रिलीज किए जाने की तैयारियां जोरों पर है। ताबीज दी पावर से बॉलीवुड में चर्चित हुए बादल की आगामी हिंदी फिल्म ऑक्सीजन की शूटिंग पूरी होने के उपरांत उसकी एडिटिंग पूरी हो चुकी है और अब डबिंग व बैकग्राउंड म्यूजिक आदि का कार्य जोरों पर चल रहा है। इस फिल्म को मई 2021 में अखिल भारतीय स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और गीत स्वयं बादल ने लिखे हैं और बादल ने इस फिल्म में कुल 4 रोल भी अदा किए हैं। आपको बता दें कि बादल के साथ इस फिल्म में किरण शर्मा बॉलीवुड में एंट्री ले रही हैं और अन्य कलाकारों के रूप में बॉलीवुड जाने माने अभिनेताओं में से धनंजय सिंह, मोहन जोशी, प्रमोद माउथो, सुभाष सेठ, अपर्णा बाजपेयी और राखी शुक्ला ने अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही नए कलाकारों के रूप में बबीता कौशिक, हितेंद्र सिंह, हितेंद्र धीनगढ़ा, आरती मीणा, चंद्रमान आदि ने अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म की शूटिंग रंगीले राजस्थान की खूबसूरत लोकेशन पर की गई है। इस फिल्म में GOP विकास सक्सेना रहे हैं, मेकअप मैन पंकज सेन, हेयर ड्रेसर चेष्टा और कोरियोग्राफी अश्विनी मास्टर ने की है। और अब खबर कुंडल से। ग्राम पंचायत कोलवा निवासी प्रभु दयाल जांगिर की ड्यूटी बांदी कुई ढाकर में पोस्टमैन के पद पर की गई थी, जो पिछले 2 साल से ड्यूटी पर भी अनुपस्थित चल रहा था। डाक विभाग के अधिकारियों ने कई बार उसके घर पर लेटर भेजा, पर उसके घर पर भी मौजूद नहीं होने के कारण डाक वापस आ जाती थी। ग्रामीणों का कहना था कि वह पिछले 2 साल से यहां पर आया ही नहीं
और उसके बच्चे व घरवाली अपने पीहर में रहते हैं। उन्हें भी इस बात का पता नहीं है कि वह कहाँ है। गुरुवार को डाक विभाग के उच्च अधिकारी बांदीकुई निरीक्षक मनीषा मीणा व डाक अधिदर्शक ओम प्रकाश गुर्जर व घनश्याम शर्मा द्वारा प्रभु दयाल जांगीर के मकान पर नोटिस चिपकाया गया और इस मौके पर शाखा डाकपाल कालोता वमीपाल सिंह और अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। सिकराय से बड़ी खबर, संभागीय आयुक्त डॉक्टर सुमित शर्मा आज सिकराय के दौरे पर रहे। पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वे जिले के निरीक्षण पर पहुंचे, लेकिन यहां कर्मचारियों व अधिकारियों की बड़ी सफलता सामने आई। दरअसल डीसी सुमित शर्मा सिकराय अस्पताल में पहुंचे थे तो वहां अव्यवस्थाओं का आलम देख संभागीय आयुक्त भड़क गए और उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ को जमकर लताड़ लगाई। प्रस्तावित दौरा होने के बावजूद भी अस्पताल का प्रभारी मौके पर नहीं मिला, इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों भी नरादत मिले। इतना ही नहीं, उपखंड स्तर के अस्पताल में ECG मशीन भी खराब मिली और अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी का भी आलम मिला। हद तो तब हो गई जब उपखंड स्तर के अस्पताल में एक भी इंडोर भर्ती मरीज नहीं मिला, यहाँ तक कि OPD मरीजों की संख्या भी नाम मात्र मिली, जिसके बाद संभागीय आयुक्त डॉक्टर सुमित शर्मा ने दोषी व लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को चार्जशीट देने के निर्देश दिए। साथ ही एक महीने में अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पाबंद किया गया और एक महीने बाद पुनः निरीक्षण किए जाने की भी बात कही है। इसके अलावा उन्होंने विद्यालय में भी निरीक्षण किया। इस दौरान हद तो तब हो गई जब संभागीय आयुक्त की मौजूदगी में विद्यार्थी कक्षा कक्ष के बाहर झाड़ू लगाकर साफ सफाई करते हुए नजर आए, जिसे लेकर नाराजगी जताई गई और कार्यवाही करने के भी जल निर्देश दिए, जिसके बाद पंचायत समिति कार्यालय में निरीक्षण किया गया, जहां स्टोर कक्ष का सामान देखा और शौचालय का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें साफ सफाई नहीं होने के कारण कर्मचारियों को फटकार लगाई गई, जिसके बाद पनीर उद्योग की भी जाँच की गई और पनीर उद्योग की जाँच करने के लिए विकास अधिकारी राजेश मीणा और उपखंड अधिकारी रणजीत सिंह गोदारा की अलग अलग टीमें भेजकर पनीर उद्योग कार्यालय की जांच कराई गई और सैंपल भी लिए गए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।